आखिरकार पानीपत पुलिस ने इस महिला चोर गिरोह को गिरफ्तार कर ही लिया है। पानीपत शहर के जाटल रोड पर स्थित कपड़े की दुकान पर 25 दिसंबर की रात को शटर उखाड़कर लाखों रुपए की कीमत के कपड़े चुराने वाली चार महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से 2.5 लाख रुपए की कीमत के चोरी किए हुए 115 सूट, 12 शॉल और 15 दुपट्टे बरामद किए गए हैं। आपको कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से इस महिला चोर गिरोह ने एक कपड़े की दुकान को निशाना बनाया था। इस गिरोह में एक छोटा बच्चा भी शामिल इन्होंने कर रखा था। सीसीटीवी तस्वीरें आपको सबसे पहले उस दिन की दिखा रहे हैं जिस दिन इन चारों महिलाओं ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। देख सकते हैं कि किस तरह से चारों महिलाएं आती हैं और उसके बाद शटर का ताला तोड़ा जाता है और एक बच्चे को उसी शटर के नीचे से अंदर भेजकर सामान चोरी कर लिया जाता है। एक एक कर बच्चा जितने भी सूट होते हैं, चाहे वो शॉल होते हैं, वो बाहर की ओर निकालता रहता है और ये सभी चारों महिला चोर उसे एक बोरे में भरकर वहां से फरार हो जाती हैं। वहीं चोरी की घटना के बाद दुकानदार ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने कुछ ही दिन बाद इस महिला चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके कब्जे से सूट, शॉल और दुपट्टे बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने दिन के समय बाजार में कूड़ा बीनने के दौरान कपड़े की दुकान की रैकी की थी और रात को शटर उखाड़कर चोरी की थी। आरोपी चारों महिलाएं चोरी किए हुए कपड़ों को बेचने के लिए ग्राहक की फिराक में ही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर इन चारों महिला चोरों को पकड़ लिया गया है। चारों महिलाओं को कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो शटर मुड़ा हुआ था, मैंने पड़ोसी बुलाया, देखा भी क्या हुआ, शटर खोल के देखा तो अभी दुकान के अंदर माल ही नहीं था। फिर पुलिस 112 पे फ़ोन करा हमने, पुलिस आई, ऊपर कैमरे चेक करे, उसमें देखा 3-4 लेडीज हैं, एक बच्चा अंदर बढ़ के माल निकालने लग रहा है। ये सुबह की बात है जी, 3:40 की और 4:15 तक उन्होंने कार्रवाई करी जी अपनी और दुकान में से माल उठा के और चले गए जी। कम से कम आइडिया लगाया जी 5-6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 20-30 हज़ार रुपये गले में कैश पड़ा था। 3 लेडीज थी, एक बच्चा है, वो अंदर बड़े, बच्चा अंदर बड़ा छोटा सा, और उसने सारा माल सरका के अपना लपेट के चले गए। पुलिस को सूचना मिली कि पुराना औद्योगिक क्षेत्र में गोल चक्कर के पास संदिग्ध किस्म की चार महिलाएं सामान से भरा बोरा लेकर कहीं जाने की फिराक में खड़ी हैं। उनके पास बोरे में चोरी का सामान होने की संभावना है। पुलिस टीम ने महिला पुलिसकर्मी को टीम में शामिल कर तुरंत मौके पर दबिश देकर चारों महिलाओं को काबू कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान नीलम, रुक्साना, बीना और नीलम उर्फ खजूरी निवासी झुग्गी मछली मार्केट इंदिरा कॉलोनी पानीपत के रूप में बताई। पुलिस टीम ने बोरे को खुलवा कर देखा तो काफी संख्या में सूट व शॉल मिले। चारों महिलाओं ने सूट व शॉल 25 दिसंबर की रात जाटल रोड पर पीपल वाली गली में कपड़ों की दुकान से चोरी करने के बारे में कबूल लिया है। चोरी की वारदात के बारे में थाना मॉडल टाउन में हिमांशु पुत्र अशोक निवासी राजीव कॉलोनी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज है। पूछताछ में आरोपी चारों महिलाओं ने बताया कि वो इन सूटों को बेचने की फिराक में ही थी, ऑटो का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने इनसे चोरी किए हुए 115 सूट, 12 शॉल और दुपट्टे बरामद कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।